नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी मोबाइल पर कैसे एक्सेल सीखे में आज लेके आया हूँ सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला क्या होता है? सम इफ फॉर्मूला में तीन आर्गुमेंट होते हैं, रेंज, क्राइटेरिया, जैसे इसमें शो हो रहा है तीन होते हैं, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। रेंज क्या होती है? वो रेंज, वो जैसे यहाँ हमने एक डेटा लिया हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स के जो नेम है ये रेंज है, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट हैं उनमें से किसी एक स्टूडेंट को क्राइटेरिया बनाएंगे, नियम बनाएंगे और उसके मार्क्स का हम सम अप करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं और उनका सम क्या है, मतलब कितने मार्क्स है डिफरेंट सब्जेक्ट में और उनका सम क्या है। तो इसके लिए मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको इक्वल सम लिखेंगे, एस यू एम सम इफ। जैसे ही करते हैं तो सम इफ का फार्मूला शो हो जाता है मोबाइल में, जो हमने एक्सेल डाउनलोड किया हुआ है। इसमें रेंज मांग रहा है, रेंज, अब हमें रेंज, ये स्टूडेंट की रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद ये नेक्स्ट हमें मांगता है क्या कि क्राइटीरिया। क्राइटीरिया हम क्या ले रहे हैं? क्राइटीरिया ले रहे हैं हम सुहानी, कुमारी सुहानी। तो हमने लिया है कुमारी सुहानी, कुमारी सुहानी, सुहानी, ठीक है, सुहानी लिया है, उसको हमने ब्रैक कोड में ले लिया है। और सम रेंज मार्क्स को सम अप करना है, तो मार्क्स को जब हम सम अप करने जा रहे हैं तो ये मार्क्स सम अप करे और जब हम देखते हैं तो कितना आया है, 29। इस तरीके से ये सम इफ फंक्शन वर्क करता है। सम इफ फंक्शन के लिए मैं दोबारा बताना चाहूँगा, ये तीन आर्गुमेंट लेता है, रेंज, क्राइटीरिया और सम रेंज। रेंज क्या है? वह रेंज जिसमें कोई नियम लगाना है, जैसे हमारे पास यहाँ रेंज थी स्टूडेंट नेम, और क्राइटीरिया जैसे हमने एक स्टूडेंट का नेम लिया है, और सम रेंज क्या थी जिसका हम सम करना था, इसमें 29 आया। जैसे हम, अब हमारे पास स्टूडेंट ये संजू है, हम संजू कुमार को भी चेंज करके देख सकते हैं, जैसे हमने इसमें संजू कुमार चेंज किया है, संजू कुमार चेंज करके हम देखना चाहते हैं कि उस पर भी वर्क करता है नहीं करता है। तो संजू कुमार, कुमार, ठीक है, ये तो संजू कुमार के मार्क्स क्या दे दिए इसने, 25। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।